हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो दिस इज़ अवर डे टू इन उदयपुर। सो आज अभी हम अपने जस्ट होटल से निकल रहे हैं और आज के हमारे जो प्लान्स हैं वो है सज्जनगढ़ फोर्ट, मॉनसून पैलेस और द सिटी पैलेस। देखते हैं, और अगर टाइम मिला तो और भी कहीं जाएंगे। और सबसे पहले तो बट हम ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो कोई बढ़िया सी हम पहले रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट का कोई ऑप्शन ढूंढते हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट में हमने आलू पराठे आज ऑर्डर करे हैं और काफ़ी टेस्टी लग रहा है ये। इसको स्टार्ट करते हैं और फिर सीधा सज्जनगढ़ पैलेस चलेंगे। सो ये रास्ता ही आगे सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस को जाता है, बट थोड़ी सी अब बारिश स्टार्ट हो गई थी तो किरने ना सीधा एकदम चश्मे पे आती है, तो स्कूटी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये रेस्टोरेंट है हमारे पीछे साउथ इंडियन, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह पी के फिर चलते हैं। हमने ब्रेकफास्ट के बाद कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, बारिश रुक चुकी है, फटाफट से पीते हैं और चलते हैं। $370 की टू टिकट्स मिली है हमारे को ऊपर तक जाने के लिए और स्कूटी हम अपना ऊपर तक लेके जा सकते हैं। बायोलॉजिकल पार्क भी है, जू भी है और ये देखो इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है क्योंकि यहाँ अंदर टाइगर और लायन लेपर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है पूरी प्रॉपर भाई साहब। तो अभी रास्ते में एक जगह रुके हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, पूरी ग्रीनरी है, ऊपर क्लाउडी है। इससे बेस्ट सीजन नहीं हो सकता उदयपुर घूमने का। मॉनसून में आओ, मज़े आएंगे। बहुत ही सुंदर व्यू, अंदर से चीखें निकल रही हैं वो करने की। वो सामने पिछोरा लेक दिख रही है, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, क्या बात है। ये पूरा ये पूरा वैसे जंगल है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं सारे और जबरदस्त लग रहा है। Awesome, यार। और अभी हम यहाँ बेसिकली आप देख सकते हैं अभी भी हम काफ़ी ऊपर हैं, आ चुके हैं नीचे से एकदम, लेकिन हमें एकदम पूरा वो टॉप ये वाला एकदम टॉप पे जाना है, वहाँ पर है पैलेस। ये अपनी घड़ी स्कूटी, चलो आगे बढ़ते हैं। कुदरत का करिश्मा, मेरी फोटो तो ले दो। कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए हम, एकदम टॉप पर आ चुके हैं। अब हम पार्किंग हमने कर दी है, पीछे ये पैलेस है और यहाँ से नज़ारे तो और ही ज़्यादा डबल हो गए हैं, नीचे से भी ज़्यादा। जहाँ पे पहले रुके थे उससे ज़्यादा अब अच्छे नज़ारे यहाँ पे दिख रहे हैं, पूरा दिख रहा है मेरे को, कम दूर दूर तक की अरावली रेंजेस मेरे को दिख रही हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है देख कर। वो नीचे रोड है वो दिख रही है मेरे को छोटी सी, वहाँ से ऊपर आए हैं हम। कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है यार, मुझे नहीं पता था कि उदयपुर में भी इतने सुंदर नज़ारे हो सकते हैं। सच बताऊँ मुझे यही था कि राजस्थान है, नॉर्मल होगा, पॉटी फोर्ट होंगे, बट नहीं, फोर्ट के साथ माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, पहाड़ी की फील आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल में आ गई हूँ। ऑसम है, ऑसम। सो एक 10 मिनट का एक छोटा सा ट्रैक था वो करके हम ऊपर आ गए हैं और पीछे आपको दिख सकता है जो पैलेस है। अभी यहाँ भी जाते हैं, यहाँ के लिए भी थोड़ा सा और चढ़ना पड़ेगा तो, लेकिन यहाँ फोर्ट है तो चढ़ना तो पड़ेगा ही, चलना तो पड़ेगा ही। ये सामने देखो काफ़ी अच्छा, यहाँ से बहुत अच्छा और व्यू आ रहा है, छोटा सा गार्डन टाइप बना हुआ है ये। और
यहाँ मेरे, ये देख सकते हो मेरे पीछे एक छोटा सा कैफ़े है, ये पैलेस है इधर और ये इधर कैफ़े है। तो इतनी चढ़ाई चढ़ के आने के बाद आप ऊपर आके कुछ खा पी भी सकते हो। हमने तो एक पानी की बोतल खरीदी है क्योंकि यहाँ पे डबल से भी ट्रिपल रेट है, लेकिन हाँ पानी मिल गया यहाँ सही, आप सर्वाइव हो जाएगा। ये पूरा कैफ़े बन रखा है, कैफ़े की सीटिंग हो रखी है। यहाँ फोटो भी खिंचवा सकते हो ड्रेसेस के साथ, राजस्थानी ड्रेसेस। ये फोर्ट की बैक साइड पे बैठे हैं अभी हम, और पीछे आप मेरे अरावली रेंजेस का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है अरावली हिल्स का, बहुत ही मतलब ग्रीनरी हो रही है क्योंकि हम मानसून में आया ना, तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है, दिल कर रहा रिकॉर्ड ही करता रहूं मैं, कुछ ना कुछ बोलता रहूं, मन ही नहीं कर रहा बंद करने का। ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हमें आधा घंटा हो चुका है यहाँ बैठे हुए, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है और नज़ारे देख के तो और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, सुकून। मेरे हमारे बाल देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे और कंटिन्यू चल रही है, जिस वजह से बहुत मज़ा आ रहा है और व्यू तो अच्छा है ही है, और ऐसे लग रहा है कि अभी हम उड़ जाएंगे, उड़ने वाले नहीं है क्योंकि हम बुलडोजर हैं, आसानी से कैसे उड़ जाएंगे। तो एक घंटा हो चुका है अभी तक हमारे को यहाँ पे, यहीं बैठे हैं एक घंटे से, अब निकलते हैं आगे। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मगर फिर भी आगे जाना पड़ेगा क्योंकि आगे सिटी पैलेस भी जाना है। तो लेकिन जगह बड़ी वर्थफुल लगी यहाँ पर आना, और बहुत ही काम और पीसफुल जगह है और व्यू तो बहुत ही अच्छा है। बैठ जाओ। क्या हो गया, डरा दिया? चश्मा गिर जाता अभी मेरा। गिर जाता तो गिर जाता, 100-200 की चीज़ नहीं है, तुमने डरा दिया इतना मेरे को। तो जब आप सज्जनगढ़ आए तो आप आराम से 3-4 घंटे का टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे ना व्यू बहुत अच्छा है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 3-4 घंटे का टाइम निकाल के आओ, 1-1.5 घंटा यहाँ पे स्पेंड करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। जल्दी जल्दी में यहाँ से चले मत जाना, क्योंकि नहीं तो ये नज़ारा फिर वापस से मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये लाइट्स भी लगा रखे हैं, विच मीन्स कि रात को फोर्ट और सुंदर लगेगा इन लाइट्स जब इसके ऊपर पड़ेंगे। ये पैलेस की यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से हमने करी थी, यहीं से हमने एग्ज़िट करी है। पीछे पैलेस तो एकदम ज़बरदस्त बना रखा है, और ये सामने ही गार्डन है, और सारे बंदर बाहर आ गए। यहाँ पे कुछ लंगूर घूम रहे हैं, मैं कैमरा अंदर रख रहा हूँ ताकि वो छीन लेते हैं, और नहीं तो। और ये ऊपर से रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाया ही था, उधर रेस्टोरेंट है, यहाँ इनकी सीटिंग है। सुंदर प्लेस है, अच्छा लगा यार, मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे इतनी कि उदयपुर में पहाड़ और इतना सुंदर व्यू मिलेगा, और यार मज़ा आ रहा है यार। सज्जनगढ़ से लेकर
जग मंदिर तक का, तो आप जा सकते हैं जग मंदिर। अब सेकंड हमारी डेस्टिनेशन है जग मंदिर। तो रास्ता बिल्कुल सीधा है, तो ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है। गर्मी लग रही थी तो सोडा शॉप से सोडा लिया, ब्लूबेरी मस्त है। जग मंदिर के लिए बोट लेनी है, जग मंदिर के लिए बोट। हाँ एक बार सर अंदर ले लो, यहाँ से एक बार अंदर ले, ठीक है। कहाँ से है रास्ता? सर जग मंदिर के लिए बोट कहाँ से जा रही है? मंदिर आगे मिलेंगे, यहाँ पहले पार्किंग देखिए ऊपर कहाँ पे पार्किंग, यहाँ पे कीजिए गाड़ी। हाँ। आपको उधर जाना है ठीक है। जग मंदिर जाने के लिए 500 रुपये पर पर्सन टिकट है, और पार्किंग की भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो चलो भागते हैं फटाफट से, बस 5 मिनट से भी कम बचे हैं, 4 मिनट ही बचे हैं बोट पकड़ने के लिए। 3 ये बोट अगर मिस हो गई तो टिकट रिफंडेबल नहीं है ये, तो भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागो। सो ये जो बोट आ रही है इसके अंदर हमें जाना है, और मिस नहीं हुई, हम भाग भाग कर आए हैं टिकट काउंटर से यहाँ तक। वो जो सामने मंदिर दिख रहा है ना, वही है जग मंदिर। इसकी टिकट बड़ी महंगी नहीं है मगर, पर थोड़ी महंगी लग रही है मेरे को इसकी टिकट, 500 रुपये की एक टिकट बस वहीं तक जाने के लिए। बोट में आके बैठ गए हैं, मिस नहीं हुई, भाग भाग के आना पड़ा। और अभी ये मोटर चल जाएगी बोट की, तो फिर तो मेरी कुछ आवाज़ नहीं आने वाली। और इसे जग मंदिर आइलैंड में आ गए हम, वो सामने सिटी पैलेस है। हालांकि ये सीधा नहीं लाया है, थोड़ा घुमा फिरा के बहुत लंबे रूट से लेकर आए हैं, ताकि आप बोट राइड को एंजॉय कर पाएँ अच्छी से। और 20-25 मिनट लग रहे हैं। और अब मेरे को समझ आ रहा है कि यहाँ के इन्होंने 500 रुपये क्यों लिए हैं, क्योंकि ये एक होटल है और काफ़ी लग्जरी 5-स्टार होटल है ये, तो इसलिए यहाँ के 500 रुपये ले रहे हैं। अब जाके अंदर जाके देखते हैं कि वो वर्थ इट है कि नहीं। लग्जरी है ये तो एकदम 5-स्टार। ये हाथी यहाँ से पास से कितने अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे एकदम हल्का 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 एकदम सरोद का म्यूजिक बज रहा है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है, जो कि बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। शायद आपको साउंड आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो इस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से यहाँ की जो वाइब क्रिएट हो रही है एकदम लग्जरी रॉयल क्रिएट हो रही है। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, एकदम ओपन सीटिंग है, गार्डनिंग बहुत अच्छी हो रखी है, पेड़ देख रहे हो सारे एक ही, इनकी जो टहनियाँ हैं वो सारी एक ही स्टाइल की हैं, ये भी एक जैसा लग रहा है, वो भी एक जैसा लग रहा है। ये फाउंटेन है, अभी तो चल नहीं रहा बट काफ़ी बड़ा फाउंटेन है ये। ये अंदर म्यूजियम है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अंदर म्यूजियम है, ये पुराने ज़माने की बोट पड़ी हुई है, हालांकि छोटा मॉडल है इस पर, इसके बड़े मॉडल की चलती होगी। ये डोली पड़ी हुई है छोटी सी पग्गी, ये
ताजमहल रखा हुआ है भाई साहब। तो अभी हम अंदर घूम रहे थे, तो जो अंदर गार्ड थे मैंने उनसे पूछा बेसिकली ये किस चीज़ के लिए फेमस है। तो उन्होंने बताया कि बेसिकली यहाँ पे शादियाँ होती हैं ज़्यादा, और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की शादी यहाँ पे हो चुकी है, जैसे कि रवीना टंडन की बता रहे थे, और एक दो सेलिब्रिटीज़ उन्होंने और बताया कि यहाँ पे उनकी वेडिंग्स होती हैं। और मैंने पूछा कि यहाँ पे वेडिंग करने का कितना एक बेसिक खर्चा आता है, तो उन्होंने बताया कि एक दिन की अगर आप बुक करते हैं तो 1.5 करोड़ खर्चा है एक दिन का, 1.5 करोड़। बहुत ही ज्यादा कम नहीं बोल दिया सर? करा करनी है शादी 1.5 करोड़ में यहाँ पे? नहीं नहीं, मेरे को तो मिनी अटैक आ गया था, 1.5 करोड़ बोलना आता नहीं। ये पिछोला बार बन रखा है यहाँ पे, अंदर बार है पूरा। तो जो आप शादी के लिए बुक करेंगे और जो आपको रूम्स मिलेंगे, कुछ ऐसे रूम्स होंगे लिखा है, रूम स्वीट रेजिडेंट ओनली 4, ऐसे कुछ कमरे मिलेंगे आपको। काफ़ी सारे आगे तक हैं, वहाँ से पीछे से शुरू हो रहे हैं, बस 10 रूम ही हैं यहाँ पे। और काफ़ी मतलब सही है यार, मतलब 1.5 करोड़ में काफ़ी अच्छी शादी हो जाएगी। बिजनेसमैन के लिए ठीक है, कॉमन बंदे के लिए थोड़ा ठीक है। ये गणेश जी का मंदिर है। सो ये बोट खड़ी है यहाँ पे, एंट्री का पॉइंट अलग है, एग्जिट का पॉइंट अलग है। अब चलते हैं यहाँ से। तो जग मंदिर से वापस आने के बाद हम वापस अपने रूम में आ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट करा हमने 1 घंटा। अभी 6:45 हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं जागोर की हवेली, वहाँ पे 7 o'clock में जागोर की हवेली और 7 o'clock वहाँ पे शो होता है एक, और वो कल्चरल शो होता है 1 घंटे का, तो वो चल के देखते हैं आप सीधा। सो बागोर की हवेली हम पहुँच चुके हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी, यहाँ पे ना गाड़ी मत लाएं क्योंकि काफ़ी नैरो गलियाँ थी, स्कूटी भी मुश्किल से आई हैं, तो आप या तो स्कूटी से आएँ या तो ऑटो करके आएँ, गाड़ी मत लाना, थक जाओगे, नहीं तो क्या वॉक करके आ जाना। सो शो की 100 रुपीज़ की टिकट मिली है हमारे को, और म्यूज़ियम भी है वैसे यहाँ पर, बट म्यूज़ियम अब क्लोज़ हो चुका है, 5:30 क्लोज़ हो गया म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो नहीं देख पाएंगे, बट कोई नहीं, शो देखते हैं। मेन वैसे हम आए भी यहाँ पे शो देखने थे। देख लिया, बहुत ही अच्छा लगा शो देखकर, और 1 घंटे का शो था, वर्थ फुल था, 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपये टिकट प्राइस था। तो चलो अब देखते हैं अब आगे कहाँ जाना है।